हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नेचर्स डायरी बाय डी अहिले। दोस्तों, आलमंड के सीड से आलमंड का प्लांट ग्रो कैसे करना है ये हमने पार्ट वन के वीडियो में देखा था। वो प्लांट्स अब 4 महीने के हो गए हैं, तो उनकी हेल्थ और कंडीशन क्या है उसका एक ओवरव्यू इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। हम देख सकते हैं कि आलमंड के जो प्लांट्स है वो अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। कुछ पत्ते जो है वो मुरझा रहे हैं धूप की वजह से। आप स्टेम देख सकते हैं, स्टेम की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल हरे है। तो ये जो प्लांट्स है वो अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं, बट अभी यही सही टाइम है कि उनको अलग किया जाए, अलग पॉट में ट्रांसफ़र किया जाए ताकि उनकी रूट्स की भी ग्रोथ हो जाए। तो इसे अलग कर लेते हैं। अगर आप एक पॉट में ज़्यादा प्लांट्स लगाते हो तो इसे इस तरह से आप अलग कर सकते हैं। अगर आप ऊपर की तरफ खींच लेते हैं तो उसके रूट्स जो है वो टूटने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप इस तरह से उसे निकालोगे तो उसके रूट्स भी नहीं टूटेंगे। ये देखिए, तीनों प्लांट्स बहुत ही आसानी से अलग हुए और उनके रूट्स भी टूटे नहीं हैं। तब इसे हम एक एक करके एक एक पॉट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो 4 महीने के बाद अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से हुई है, रूट्स भी बहुत अच्छे से बड़े हैं, स्टेम की क्वालिटी अच्छी है, पत्तों की क्वालिटी अभी तक अच्छी है। रूट्स जो है वो पूरी अच्छी तरह से हम ढक लेंगे मिट्टी में। अभी इन्हें सेपरेट लगाने के बाद इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगी, प्लांट की जो हाइट है वो बहुत जल्दी बढ़ेगी। पहले जो हमने 3 प्लांट्स एक ही पॉट में बढ़ाए थे तो उनके रूट्स एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, तो रूट्स भी नहीं बढ़ पाते और प्लांट की जो हाइट है, ग्रोथ है, वो भी नहीं हो पाती अच्छे से। ये देखिए, पूरे रूट्स अच्छे से मिट्टी के अंदर में ढक लेने हैं। ये देखिए, यहाँ तक ये जो ब्राउन कलर है वहाँ तक हम इसे मिट्टी में रख लेंगे। और दोस्तों, इसे जब हम स्टोर करेंगे ये पॉट्स, तो इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, क्योंकि ये पत्ते जो है वो मुरझा जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि प्लांट्स अभी भी बहुत छोटे हैं। और पानी जो है इसे रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी इनकी ग्रोथ अच्छे से हुई है और ये बढ़ रहे हैं अपने आप। तो पानी आपको सिर्फ पॉट में जो मिट्टी है एक बार गीली करनी है, उसके बाद तभी पानी देना है। आप मिट्टी को खोल के देख सकते हैं, अगर वो सूख गई है अच्छे पूरी तरह से तो ही उसको पानी दें, क्योंकि रोज़ रोज़ अगर पानी देंगे तो भी रूट्स बढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये देखिए, जो पॉट्स की जो मिट्टी थी वो ड्राई मिट्टी थी, तो इस तरह से मैं उन्हें एक ट्रे में पानी लेके उसमें रख रहा हूँ, ताकि पॉट के बॉटम में जो होल्स है वो जितना पानी चाहिए मिट्टी को उतना वो खींच लेता है। और ऊपर से भी हम थोड़ा सा पानी देंगे ताकि रूट्स जो है वो सेटल हो जाए। और एक बार पॉट की जो मिट्टी है वो अच्छी तरह से एक बार गीली कर दो, और उसके बाद इसे बहुत ज़्यादा यानी रोज़ रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं मिट्टी ड्राई है या गीली है, अगर गीली है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है। जब वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तो फिर से मिट्टी को 100% वेट करके छोड़ दो। आप इन पॉट्स को किसी भी खुली जगह पे स्टोर कर सकते हो, बट ध्यान रहे कि डायरेक्ट सनलाइट के नीचे ना हो। आप चाहो तो ग्रीन शेड नेट का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी भी छाव वाली जगह पे, या फिर बड़े पेड़ के नीचे आप इसे स्टोर कर सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से आलमंड के प्लांट की ग्रोथ की जो भी फ्यूचर में कंडीशन होगी उसकी ग्रोथ के बारे में मैं आपके साथ वीडियो बना के शेयर करता रहूँगा। और तब तक के लिए अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिख के भेजिए।
दोस्तों इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ वीडियो की लिंक्स प्रोवाइड की हुई है जिसमें दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है, तो इन्हें ज़रूर देखिए। थैंक यू।